हत्या के आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आपको बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी ने हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश कुमार पटेल ने बताया कि आरोपी विजय सिंह, अमर सिंह उर्फ पिंटू, आशीष सिंह, गजेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह सभी निवासी ग्राम हटवा एवं राजेश सिंह निवासी अहिरगवा थाना मनगवा जिला रीवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सूचनाकर्ता रामपुरवा निवासी धीरेन्द्र सिंह ने थाना मनगवा में 31 अक्टूबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उनके किराने की दुकान में आरोपियों ने उधारी सामान मांगा था। इनकार करने पर उन्हें एवं वहां पर मौजूद भोला सिंह हक पर हमला कर दिया गया था। गंभीर चोटें होने के कारण भोला सिंह की मृत्यु हो गई। प्रकरण की सुनवाई कोर्ट में चली, जिसमें आरोपियों पर लगाए गए दोष सिद्ध पाए गए, जिसके चलते कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा इसमें अर्थदंड का भी जुर्माना किया है। आपको बता दें कि न्यायालय ने धारा 452, 323, 324 एवं 302/34 भारतीय दंड विहिता में उपरोक्त आरोपी गणों को 452 में 2 वर्ष, 323 में 6 माह एवं 324 में 2 वर्ष एवं 302 में आजीवन कारावास के साथ सभी धाराओं के तहत 100-100 रुपये के अर्थदंड से सजा सुनाई गई है। 302 के मामले में न्यायमान्य न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, क्या पूरा मामला है, किस तरीके? पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला रीवा के माननीय श्री विवेकानंद त्रिवेदी जी के द्वारा आज दिनांक 28 फरवरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें अभियुक्त गण विजय सिंह, अमर सिंह, आशीष सिंह उर्फ सोनू सिंह, गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू सिंह, दीपू उर्फ दीपेंद्र सिंह एवं राजेश सिंह तनय रुद्र प्रताप सिंह को सजा आजीवन कारावास की सुनाई गई। कहाँ की घटना थी, क्या मामला था? ये घटना जो है तो ग्राम अहिरगांव थाना मनगवा की है। ये दिनांक 31/10/2014 की घटना है, सुबह 10 बजे की घटना है। इसमें रिपोर्टकर्ता ने थाने में आकर इस आशय की रिपोर्ट किया था कि सीतापुर रोड के किनारे भोला सिंह के मकान में किराने की दुकान चलाता हूं, उसी में उसका निवास भी है। आज सुबह वह और भोला सिंह दुकान के अंदर बैठे थे, तभी करीब 9:30 बजे ग्राम हटवा के विजय सिंह व गज्जू उर्फ गजेंद्र सिंह उसके दुकान में आए। वह विजय सिंह उससे उधारी का सामान मांगने लगे, तब वह कहा कि उसका पहले से 550 रुपये उधार है, अब हम आपको सौदा नहीं देंगे। तब विजय सिंह उसे माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगा। वह गाली देने से मना किया तो विजय सिंह बोला कि पुनः भद्दी भद्दी गाली देते हुए बोला कि मैं तुमको बताता हूँ, और घर के अंदर घुसकर मारने लगे। पिंटू सिंह, सोनू सिंह, दीपी सिंह व राजेश सिंह भी इसी बीच में आ गए, अपने हाथ में तलवार लिए थे, जो आते ही घर के अंदर घुसकर सिर में तलवार मारा, जिससे उसको गंभीर चोट आई। तब भोला सिंह पिंटू सिंह को पकड़ने की कोशिश किया तो उसे भी तलवार से मारा। मारपीट से भोला सिंह को तलवार की चोट व डंडा की चोट आई थी। सत्येन सिंह को भी डंडे की चोट आई थी, कायमी की गई थी। उसमें अपराध क्रमांक 427/14 और धारा जो है 452, 294, 323, 324, 506 भी आवलिक 34 भारतीय दंड विधान के अधीन इनको सबको 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।